प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग उज्जवल मॉडल स्कूल में हैं और उज्जवल मॉडल स्कूल में आज हम केमिस्ट्री के लैब में हैं और हम लोग बनाने सर से सीखने चल रहे हैं कि कैसे हम लोग डाइल्यूट HCl बनाएंगे, यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सर द्वारा जो भी काम किए गए हैं वो काम आपको दिखाए जा रहे हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते रहेंगे और सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके सीखते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं सर। तो सर, सबसे पहले आप बताइए क्या क्या आप लिए हैं और कौन कौन से सामान आप यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मेजरिंग फ्लास्क में 100 ml हम वाटर ले लेंगे, डिस्टिल वाटर जी। और फिर मेजरिंग फ्लास्क में 100 ml हम कंसंट्रेट HCl ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास मिक्स करने के लिए, दोनों को मिक्स करने के लिए, डाइल्यूट बनाने के लिए एक कोनिकल फ्लास्क होगा और एक ग्लास वाटर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाटर को इस कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। टोटल आप 100 ml वाटर लिए थे और 100 ml जो है आप कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं और कोनिकल फ्लास्क में आपने 100 ml वाटर को डाल दिया। सबसे पहले 50-50 का रेशियो रहेगा। अगर आप जी जी हम 200 ml बनाना चाहते हैं जी, अगर आप 400 ml बनाना चाहते हैं तो उसको 200 लेंगे। अच्छा, जैसे हमको बनाना है उसके हिसाब से हम 50-50% के रेशियो में मिला सकते हैं। बिल्कुल। अब कंसंट्रेट HCl लेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ धीरे धीरे इसको इस कोनिकल फ्लास्क में थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और ग्लास रॉड से इसको स्टीयर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे जी। तो सबसे पहले हम इसको हल्का सा, अच्छा इसको बूंद बूंद मिलाते हैं, हल्का हल्का जी मिलाते रहेंगे और इसको सेक करते रहेंगे ताकि वो आसानी से मिलता रहे। इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट का टाइम भी लग सकता है आपके लिए जी जी। तो ऐसे ऐसे मिलाते रहेंगे और आपका फाइनल सॉल्यूशन तैयार है। और इसमें बहुत ही बदबूदार गंद भी निकलती है, तो आप लोग अपनी आंख का और नाक मुंह ढक के रखें जी। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि 15 मिनट लगभग टाइम लगेगा, सर ने कहा था, तो 15 मिनट के बाद केमिकल बन के तैयार हो गया है। तो फिर से हम एक बार पूरी प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। सर बताइए क्या क्या किया। सबसे पहले हमने लिया था 100 ml वाटर जी जी। उसके बाद 100 ml कंसंट्रेट HCl जी और वाटर को इस कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे जी। उसके बाद कंसंट्रेट HCl की दो दो बूंद डालते हुए इसको स्टीयर करेंगे ग्लास रॉड से, धीरे धीरे मिलाना है आपको। ये याद रखें कि आपको धीरे धीरे मिलाना जी। लगभग आपको 25 मिनट लग गए थे इसको मिलाने में जी जी। उसके बाद हमारा ये सॉल्यूशन तैयार है, ये हो गया हमारे पास डाइल्यूट HCl जी। अब इसको क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क में से हम यूज करने के लिए एक्सपेरिमेंट में जी इसको डाल देंगे हम अपने रिएजेंट बॉटल में जी, फनल की मदद से। ये हमारे पास है फनल, इसकी मदद से इसमें फिल करके रख देंगे। और एक चीज याद रखेंगे कि आप इसको जब इसमें फिल करके रखेंगे रिएजेंट बॉटल में, तो इसको एक दिन के लिए इसको खुला छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें से इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जो गैस बनेगी उसकी वजह से इस रिएजेंट बॉटल फूट भी सकती है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक दिन के लिए बहुत गर्म है खुला रख देंगे। हाँ बिल्कुल, ये हॉट हो जाता है ताकि इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए। उसके बाद ये हमारा सोल्यूशन तैयार है, इसको यहाँ पे रखें। तो इस तरह से हमारा डाइल्यूट HCl बनकर के तैयार। थैंक यू।